ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट है? फोटोशॉप या कोरल ड्रॉ, वेक्टर फाइल और रास्टर फाइल, इनमें क्या फर्क है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं असलम अहमद। आप में से बहुत से लोग ये जानते ही होंगे, लेकिन ये सवाल काफी बार मुझसे पूछा गया था, इसीलिए मैंने कुछ बेसिक टिप्स को लेकर इस वीडियो को बनाया है उनके लिए जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोरल ड्रॉ एक वेक्टर बेस्ड ग्राफिक सॉफ्टवेयर है और इस सॉफ्टवेयर में किसी भी तरह के डिज़ाइंस इजी बना सकते हैं, जैसे कि लोगो डिज़ाइन, बिजनेस कार्ड्स, फ्लायर्स, ब्रोचर्स, पैकिंग डिज़ाइन और सैनेज के जो लेआउट्स होते हैं, आर्टवर्क्स होते हैं, वो भी आप इसमें मेजरमेंट के साथ बड़ी आसानी से बना सकते हैं। कोरल ड्रॉ में आप जो भी ऑब्जेक्ट्स या लाइंस ड्रा करते हैं वो वेक्टर ग्राफिक्स में होते हैं। वेक्टर ऑब्जेक्ट्स या आउटलाइन के साइज को आप जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, उसकी क्वालिटी ज़रा भी ख़राब नहीं होती है, ना वो डिज़ाइन आपको ब्लर दिखता है। एग्जाम्पल, आपने एक लोगो डिज़ाइन किया है ए फोर साइज के अंदर, बाद में उसी लोगो को आप होर्डिंग के साइज में प्रिंट कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी वैसी ही रहती है जैसे पहले थी। वेक्टर ग्राफिक्स के जो सोर्स फाइल्स होते हैं उसका साइज भी बाकी फॉर्मेट्स के मुकाबले बहुत कम होता है। कोरल ड्रॉ में बनाए हुए डिज़ाइंस को ज़्यादातर प्रिफेयर करते हैं किसी भी प्रिंट के लिए, मिनरल कटिंग के लिए, वुड इंग्रेविंग के लिए, लेज़र कटिंग के लिए और लेज़र इंग्रेविंग के लिए भी। ये था कोरल ड्रॉ के कुछ बेसिक टिप्स। अब आते हैं फोटोशॉप की तरफ। फोटोशॉप, फोटोशॉप में बनाए हुए डिज़ाइंस रास्टर ग्राफिक्स में होते हैं और ये रास्टर ग्राफिक्स पिक्सल से बनी हुई ऑब्जेक्ट या इमेज होती है और इसकी क्वालिटी फाइल के साइज और रेजोल्यूशन पर डिपेंड होती है। फोटोशॉप में ऑब्जेक्ट्स या इमेज को जिस साइज में बनाकर फाइल को सेव करते हैं, फिर बाद में उस ऑब्जेक्ट का साइज आप बढ़ा नहीं सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का या इमेज के पिक्सल्स आउट हो जाते हैं, फिर डिज़ाइन की क्वालिटी ख़राब हो जाती है और वो ब्लर दिखता है। फोटोशॉप के डिज़ाइंस को ज़्यादातर प्रिफेयर करते हैं डिजिटल प्रिंट्स के लिए, वेब टेम्पलेट्स के लिए, यूआई डिज़ाइंस के लिए। आखिर में मैं यही कहूँगा कि दोनों ही सॉफ्टवेयर बहुत यूज़फुल है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, लेकिन हमें यह समझना भी ज़रूरी है कि किस फॉर्मेट के लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।